वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यस फर्स्ट बिजनेस क्रेडिट कार्ड के बारे में। कार्ड के बेनिफिट्स फीचर्स इस वीडियो में कवर करेंगे। कैसा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या ज्वाइनिंग फीस है, क्या एनुअल फीस है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ इस क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आप तक पहुंचता रहे। अगर इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवार्ड पॉइंटों की, अगर आप एयर टिकट बुक करते हैं, होटल की बुकिंग करते हैं, डाइनिंग पे स्पेंड करते हैं या फिर रेंट कार बुक करते हैं, तो आपको 200 रुपये पर 16 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड से मिलेंगे। अगर आप एक साल के भीतर इस क्रेडिट कार्ड से 12 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं तो आपको 20,000 बोनस रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पर आपको माइलस्टोन बेनिफिट के रूप में मिलते हैं। रिवार्ड पॉइंटों की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 8 रिवार्ड पॉइंटों की वैल्यू 1 एयर माइल्स के बराबर होगी। एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस की अगर मैं बात करूं तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों लॉन्ज एक्सेस मिलेंगे। पर मिलने वाले इंटरनेशनल लॉन्ज एक्सेस की मैं बात करूं तो आपको साल में 6 इंटरनेशनल लॉन्ज एक्सेस मिलेंगे। और डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस की मैं बात करूं तो एक क्वार्टर में आपको 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिलेंगे। मतलब साल में आपको 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस का बेनिफिट भी इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा। फॉरेन करेंसी मार्का फीस की मैं बात करूं तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 1.75% का फॉरेन करेंसी मार्का फीस इस क्रेडिट कार्ड से चार्ज किया जाएगा। फ्यूल सरचार्ज वेवर की अगर मैं बात करूं तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। अगर आपका ट्रांजेक्शन 400 से 5,000 रुपये के बीच में है तब आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और हाईएस्ट आप 1,000 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर एक बिलिंग साइकिल में आप ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले फाइनेंशियल चार्जेज की, तो इस पर आपको मंथली 3.80% और 45.6% ईयरली आपको चार्ज पे करना पड़ेगा अगर आप आउटस्टैंडिंग का टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो। गोल्फ बेनिफिट की अगर इस कार्ड पर मैं बात करूं तो 1 महीने में आपको 1 गोल्फ लेसन का बेनिफिट मिलेगा। मतलब साल में आपको 12 गोल्फ बेनिफिट मिलेंगे और 4 एडिशनल गोल्फ बेनिफिट ले सकते हैं ग्रीन फीस वेवर के साथ। इंश्योरेंस कवर की अगर मैं बात करूं तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 1 करोड़ रुपए का एयर एक्सीडेंटल कवर मिलेगा। मेडिकल कवर आपको 25 लाख रुपए का मिलेगा और क्रेडिट शील्ड आपको 5 लाख रुपए की इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिलेगी। इसके अलावा डाइनिंग फिस्टा प्रोग्राम के तहत आपको 15% का डिस्काउंट इस क्रेडिट कार्ड पर मिल जाएगा अगर आप यस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंटों पर जाकर इस क्रेडिट कार्ड से स्वैप करेंगे डाइनिंग के लिए, तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कार्ड प्रोटेक्शन कवर इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिल जाएगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से रेंट का पेमेंट करते हैं तो 1 महीने में आप 3 रेंट पेमेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 0.75% से लेकर 1% तक आपको रेंट पेमेंट चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर इंस्टेंट ईएमआई की सुविधा मिल जाएगी, कॉल ऑन ईएमआई की सुविधा मिल जाएगी, क्विक लोन की सुविधा मिल जाएगी, यस पे नाउ की सुविधा मिल जाएगी और ई मैंडेट की सुविधा इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी। इस कार्ड के एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहिए, 21 साल से 70 साल एज होनी चाहिए और 10 लाख रुपए की मिनिमम ITR फिल करना है, तभी इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अगर इस क्रेडिट कार्ड को अगर अप्लाई करते हैं और वो अप्रूव होता है और अप्रूव होने के बाद कार्ड इश्यू होने के 30 दिन के भीतर अगर आप 1,000 रुपये का इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो 500 रुपये का अमेजोन पे गिफ्ट वाउचर इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की। अगर ज्वाइनिंग फीस की मैं बात करूं तो ज्वाइनिंग फीस 999 रुपये प्लस GST है और एनुअल फीस भी 999 रुपये प्लस GST है। ज्वाइनिंग फीस के लिए कार्ड इश्यू होने के 30 दिन के भीतर 20,000 रुपये का ट्रांजेक्शन करना है तो ज्वाइनिंग फीस वे ऑफ हो जाएगी। एनुअल फीस की अगर मैं बात करूं, अगर आप 1 साल के भीतर 3 लाख रुपये इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर देते हैं तब जाके आपकी एनुअल फीस है वो वे ऑफ कर दी जाएगी। इस कार्ड पर मेरी ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो यस बैंक के और सभी क्रेडिट कार्डों से बेटर बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिल रहे हैं। अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज लेना चाहते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को आप ले सकते हैं। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर मेहनत पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।